बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज शबे जुमा और जुमेरात के रोज़ पढ़ने की दुआ। अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम। हम उस खुदा के लिए है जिसने अपनी कुदरत से तारीक रात को ख़त्म किया और रोशन दिन को अपनी रहमत से वजूद बख्शा और मुझ पर भी रोशनी बखेरी और मैं उसकी नेमत से मुस्तफीद होती हूँ। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे आज के दिन ज़िंदा रखा, इसी तरह आइंदा भी ज़िंदा रख और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा और मुझे आज और दीगर रातों और दिनों में हराम काम करने और गुनाह कमाने से दागदार ना करना। आज के दिन में जो भलाई है और बाद में आने वाले इन्हीं दिनों में जो भलाई है अता फरमा और मुझे इस दिन के शर से कि जो कुछ इसमें है इसके शर और इसके बाद भी शर से बचा। ऐ अल्लाह, मैं इस्लाम के ज़रिए से तेरी तरफ वसीला पकड़ती हूँ और कुरान के एहतराम के साथ तुझ पर भरोसा करती हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे हुजूर अपना शफी बनाती हूँ। बस ऐ अल्लाह, जिस ज़मानत के साथ मैं अपनी हाजत बरारी की उम्मीदवार हूँ इस पर तवज्जो फरमा। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, इस जुमेरात में, इस शबे जुमा में और जुमा के दिन में मेरी पांच हाजात पूरी फरमा के सिवाय तेरे करम के कोई इसकी गुंजाइश नहीं रखता और सिवाय तेरी नेमतों के कोई इसकी ताकत नहीं रखता। बस सेहत और सलामती अता फरमा जिसके ज़रिए तेरी अतात पर कुवत हासिल हो, ऐसी इबादत की तौफीक दे कि जिस पर बड़े अजर अजीम और सवाब का हक की हकदार बन जाऊँ। रिस्के हलाल से मेरी हालत में कुशादगी फरमा। खौफ व ख़तरे के मौके पर अपनी मदद के ज़रिए महफूज फरमा। गम ओ आलाम के हजूम में मुझे अपनी पनाह में रख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा और उनमें से मेरे लिए तवस्सल को रोज़े क़यामत नफ़ा देने वाला शफी बना कि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।